आपने अगर दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन में सफर किया है तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, वो नाम है राजा नाहर सिंह। अगला स्टेशन राजा नाहर सिंह है। नेक्स्ट स्टेशन इज राजा नाहर सिंह। प्लीज डू नॉट स्पिट इनसाइड द ट्रेन एंड स्टेशन एरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं राजा नाहर सिंह के महल पर। बल्लभगढ़ में ये राजा नाहर सिंह का महल है। आज इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि इसमें शराब परोसी जा रही है और यहाँ पर एक हरियाणा टूरिज्म ने अपना एक होटल खोला हुआ है। लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो होटल खोला हुआ है उसको बंद किया जाए और इसको स्मारक बनाया जाए और इसको पुरातत्व विभाग को सौंपा जाए। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम आपको बता देते हैं राजा नाहर सिंह कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिए हैं। बल्लू राजा के नाम से जाने जाते थे बल्लभगढ़ के राजा बलराम। उनके घर में महाराज राम सिंह के घर सन 1821 में जन्मे थे नाहर सिंह। सन 1839 में 18 वर्ष की आयु में बल्लभगढ़ के राजा बन गए थे नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे। साल 1857 में बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बनाया गया था। उनकी देखरेख की जिम्मेदारी राजा नाहर सिंह को सौंपी गई थी। नाहर सिंह काफी बहादुर थे और उन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ जमकर मुकाबला किया था। दक्षिण हरियाणा की तरफ से उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा की और अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज नाहर सिंह के पराक्रम से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक दूत भेजकर राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और कहा कि उनकी मौजूदगी में बहादुर शाह जफर से संधि करना चाहते हैं। जैसे ही नाहर सिंह लाल किले में घुसे तो अंग्रेजी सेनाओं ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सरकारी खजाने को लूटने के झूठे आरोप में अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1858 को 36 साल की उम्र में राजा नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दे दी। तो ये थे हमारे राजा नाहर सिंह, और अब हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो होटल के खिलाफ, जो उनके महल में खोला गया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है और उनकी क्या मांगे हैं। तो जी सर, आप आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत वीर महाबली राजा नाहर सिंह हुए हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपनी जान की बाजी लगाई इस देश को आज़ाद कराने के लिए। राजा महाराजा थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्हें एक आम आदमी की चिंता थी, इसलिए छोड़ के अपना राजपाट और आम आदमी के साथ इस देश की स्वाधीनता के लिए। आपका यहाँ एकत्रित होने का आज क्या मकसद है, आपकी कुछ मांगे हैं? उनका जो यहाँ पर महल बचा हुआ था उसको हरियाणा सरकार ने हरियाणा टूरिज्म को ट्रांसफ़र करके और वहाँ पर एक बार होटल खोल दिया है, जिसके अंदर शराब खाना और बहुत अनैतिक कार्य शुरू हो गए हैं। इतने बड़े महान योद्धा की गरिमा को इन सब कार्यों से बहुत ठेस पहुँचती है। तो अब आपकी क्या मांगे हैं इस पर? मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है, मैं राजा नाहर सिंह अभियान एक संस्था है उसका संयोजक हूँ। मैं इसमें 2-3 बातें मुख्य बताना चाहूँगा। पिछले कई वर्षों से शराब बार बंद करवाने के विषय में बहुत से संगठन, बहुत से साथी फरीदाबाद के भी हैं, बल्लमगढ़ के भी हैं, आसपास के प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास बहुत से हद तक सफल होने की स्थिति में भी है, लेकिन सरकार की जो एक तरह की जिद है कि हम बार बंद नहीं करेंगे, उसका उदाहरण ये है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने 3 पत्र लिख के जवाब मांगा हरियाणा सरकार से, जिसमें कहा गया, ये प्रधानमंत्री का है, इसमें जवाब मांगा गया है कि बताइए आप बार के चलाने के बारे में रिपोर्ट दीजिए। फिर ये दूसरा पत्र है प्रधानमंत्री कार्यालय का, उसमें भी उनसे जवाब मांगा गया है। तो क्या जवाब देता है हरियाणा का जो टूरिज्म विभाग है, पर्यटन विभाग है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। वो कहता है कि अगर हमने बार बंद कर दिया तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी, हमारी आमदनी ख़त्म हो जाएगी। ये राजा नाहर सिंह जी के, स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल से शराब बेचकर सरकार बार का
पैसा कमा के सरकार चला रही है, ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। इस सरकार के लिए कहीं शोभा नहीं देता ऐसे स्वतंत्र सेनानी के महल में शराब से पैसे बेचकर शराब से सरकार चलाई जाए। तो हम ये मांग करते हैं कि अगर ये 5 मई तक ये बार बंद नहीं किया गया या बंद करने की घोषणा की तिथि जारी नहीं की गई, नहीं दी गई, तो हम यहाँ 5 मई से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे और अभी से कल से यहाँ पर हर एक गांव में जाके इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम सभी राजनीतिक पार्टियों के जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले जो नुमाइंदे हैं उनसे भी आह्वान करते हैं कि इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अपनी स्थिति बताएं कि वो बार चलवाना चाहते हैं या बंद करवाना चाहते हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं, बार बंद करके यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पे राजा नाहर सिंह जी का महल बनाए, महल में उनका संग्रहालय बने, उनका यहाँ पे स्मारक बने, उनकी प्रतिमा लगे, ये हमारी मांग है यहाँ पर। मैं 2002 में आया था यहाँ, तो चौटाला जी उन पर चौटाला सीएम थे। मैं बड़ा दुख हुआ मेरे को जब देखा यहाँ मतलब शादी हो रही है और इसका करियर वो देखे महल के देखे, उसका जहाँ वो लगाते थे दरबार लगाते वो देखा, उसका कुर्सी देखी उसकी, मेरे आंखों में पानी आ गया। मैं ओम प्रकाश प्रधान कराड़े से हूँ, मेरा कराड़ गांव है, प्रधान हूँ कराड़े से, दिल्ली में पड़ता हमारा। और मैं जो है 20 साल से जो है वहाँ राजा नाहर सिंह के 22 साल से चाँदनी चौक में जो है धरने पर ठाण में से हम धरने पर बैठे, वहाँ पुलिस चौकी थी उसको उठवाया हमने, वहाँ दूध बसाए वहाँ और 5-5 हज़ार इकट्ठे हो गए थे। लेकिन ये सरकार में रहने के बाद योगेंद्र शास्त्री विकास मंत्री थे उस टाइम, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हमने कहा मकान देखो ये सामने गुरुद्वारा शीतगंज है, मुसलमान टाइम था तो वो मुसलमान नहीं बने तो उनको सरकलम कर दिया था। और जो है इसके लिए हम तत्पर रहेंगे और जो इसके लिए पूरा वो करेंगे हम हमारे से करेंगे यहाँ। तो आज जो महल का जो हाल है इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, महल का हाल तो ठीक है, लेकिन महल के अंदर जो गतिविधि चल रही है, महल तो बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, उस पर तो 15 अगस्त का झंडा फहराना चाहिए प्रतीक रूप में कि हमने जो आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई ली। लेकिन महल के अंदर जो गतिविधि है बहुत ही शर्मनाक है और सरकार को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए कि जनता की जो जनता का जो भाव है, जनता जो चाहती है उसके अनुसार वो इस पर कार्रवाई करे और एक महीने के अंदर कोई ना कोई ठोस निर्णय इस होटल को, इसमें सारी गतिविधि बंद होनी चाहिए, जो कॉमर्शियल गतिविधि सरकार हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही है वो सब बंद हो और इसको एक बहुत सुसज्जित तरीके से राजा नाहर सिंह का स्मारक घोषित किया जाए, उनके एक भव्य प्रतिमा उसके प्रांगण में जो है घोड़े पर बैठे हुए की लगाई जाए। उसके लिए हमारा समाज सर्व समाज प्रयासरत है, हम अपने खर्चे पर उस प्रतिमा को लगाने का काम करेंगे। सरकार खाली अपना इसमें से जो गतिविधि है उनको बंद कर दे, ये हमारी मांग है। इसी के लिए आज हम यहाँ उनके जन्म दिवस पर यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, इसलिए जो है हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई निर्णय ले, नहीं तो हम इसमें आगे आंदोलन करेंगे। आमदनी का ये गलत जरिया बंद किया जाए, बार से वैश्यावृत्ति से देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, समाज बिगड़ेगा, टूटेगा, ये बंद होना चाहिए, पूरे देश से बंद होना चाहिए, केवल बल्लभगढ़ और दिल्ली से नहीं बंद होना चाहिए, पूरे देश से बंद होना चाहिए। और देश के लिए शर्म की बात है कि जहाँ यहाँ सतियाँ होती थी वहाँ बार बालाएँ आ रही हैं, वैश्यालय चलाए जा रहे हैं, शराब परोसी जा रहे हैं, देश के लिए शर्म की बात है। ये जो राजा नाहर सिंह है ना, ये जाटों के राजा नहीं थे, ये 36 बरादरी के राजा थे, सभी का हक है इसमें। और बार इसमें से हटा के ना इसको सामाजिक स्थल बनाना चाहिए, इसमें कोई लाइब्रेरी कुछ ऐसा जहाँ में सब सभी बिरादरी इसमें भाग लें, सभी इसमें कुछ ना कुछ जो है पढ़ें, कुछ सीखें। मैं जिला पार्षद हूँ, तो ये अब राजा के जो 36 बरादरी के राजा रहे हैं हमारे, इनके महल में चल रहा है बार, तो ये बंद होना चाहिए। आज हमने विधायक जी से बात की है तो विधायक जी कह रहे हैं इनको उसको बंद कराएंगे, क्योंकि राजा की जो ज़मीन है, यहाँ पर मटिया महल था उसका कब्जा कर लिया लोगों ने, यहाँ पर एक ब्रुज थी, ये ब्रुज को खरीदोबरद कर दिया, तो राजा की जो ज़मीन है बची हुई है उस पर रानी की छतरी जर्जर हालत में है, तालाब है रानी का वो भी जर्जर हालत में। जवाब आया कि हमारे पास कैसे हम चलाएंगे, व्यवस्था जो हमारी ख़राब हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं होगी, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पैसा नहीं आता, क्या वो चलती नहीं है? क्या देश के आज़ाद के लिए जो कुर्बान जिन्होंने किया उनके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी? मैं आपसे जानना चाहूँगा कब से बार इसमें चल रहा है? ये 2003 से शायद चल रहा है बार इसमें, और ये आप सबके सहयोग से यहाँ पर जो प्रतिनिधि आए थे, चाहे इसमें सारंग जी हों चाहे विधायक हों, अभी बार बंद है, आप जाके देख सकते हैं उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, चाहे वो सांकेतिक तौर पे किए गए हों, चाहे हमारे धरने की वजह से किए गए हों, चाहे कैसे भी किए गए हों। ये 2003 में खोला गया था, उस टाइम चौटाला सरकार थी और उन्होंने एक बहुत ही अनैतिक कार्य किया था।
उससे पहले महल में क्या कैसे उसको संरक्षित किया जा रहा था? मैं संरक्षित नहीं किया जा रहा था, उससे पहले ये खंडित हो चुका था, ये एक पुरातत्व विभाग के को सौंपा जाना चाहिए था, पुरातत्व विभाग को नहीं सौंपा गया, और ये सीधा का सीधा कोई भी आज़ादी से पहले की इस तरह की संपत्ति होती है पुरातत्व विभाग को सौंपी जाती है, पुरातत्व विभाग उसका संरक्षण करता है, पुरातत्व विभाग के द्वारा उसकी देखरेख की जाती है, लेकिन इस राजा नाहर सिंह जी के महल की जो आसपास काफ़ी बड़ी जगह में था उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा था, और उसके द्वारा उसके कारण ही इस महल को एक खंडित महल हो गया था, और ये सरकार ने सोचा कि यह आय का आमदनी का साधन बन जाए, वो एक बहुत ही गलत कार्य था, बहुत ही गलत शुरुआत थी। मटिया महल का मतलब है वहाँ पे पुरोहित रहते थे, राजाओं के जो पुरोहित थे वो रहते थे उसमें, और जो नकली पुरोहित हैं उन्होंने उसको बेच दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी वो, और उसका महल का निशान ही नहीं छोड़ा। मटिया महल एक बिल्डिंग थी, वो उसको तोड़ के आज उसमें बिल्डिंग खड़ी हुई, प्राइवेट बिल्डिंग, और ये सब ऐसे ही हो रहा है, तो ये होना बंद होना चाहिए, धीरे धीरे महल गिर जाएगा, ऐसे महल पे कब्जा हो जाएगा।